दोस्तों जब छक्के मारने की बात आती है तो हिटमैन रोहित शर्मा का नाम अपने आप ऊपर आ जाता है, और अब छक्के मारने के चक्कर में रोहित शर्मा का नाम वैसे भी ऊपर आ गया है क्योंकि वानखेड़े स्टेडियम में रोहित शर्मा ने लगा दिए हैं 100 छक्के। और इसी आईपीएल ऐसा हुआ है तो खास चीज़ है, बात करेंगे इस पूरी इनिंग की, लेकिन आखिरकार रोहित शर्मा कैसे फॉर्म से चल रहे हैं और क्या इस साल का T20 वर्ल्ड कप उनका आखिरी है, सारी चर्चा करेंगे। वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास और आपका स्वागत है आर्या स्पोर्ट्स में। आईपीएल 2024 का मैच नंबर 25 वानखेड़े स्टेडियम 11 अप्रैल, आरसीबी बनाम मुंबई इंडियंस। आरसीबी ने इस मैच को हारा, मुंबई ने इस मैच को जीता, 15.3 ओवरों में ही जीत लिया। टारगेट 197 का था और जल्दी से उसको चेस भी कर लिया। रोहित शर्मा हो, ईशान किशन हो, हार्दिक पांड्या हो, बढ़िया शायद सूर्य कुमार यादव की एकदम बढ़िया वाली पारी हो, 50 वाली हो, सब ने अच्छा खेला और कुल मिलाकर के मुंबई ने इस सीज़न जो सूखा चल रहा था जीत का, जो दिल्ली के खिलाफ जो है जीत करके ओपनिंग हुई थी उसको जारी रखा और दूसरा मैच जीता आईपीएल 2024 का। लेकिन हिटमैन रोहित शर्मा ने जो छोटी पारी खेली, बड़ी पारी नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ 38 रनों की पारी थी, लेकिन इन 38 रनों में रोहित शर्मा ने 3 छक्के भी लगाए थे और इसी के साथ रोहित शर्मा ने कंप्लीट किए थे अपने आईपीएल इतिहास में, अपने क्रिकेट इतिहास में वानखेड़े के स्टेडियम पर 100 छक्के। दोस्तों हमने सचिन तेंदुलकर का शतक देखा, विराट कोहली का शतक देखा, रोहित शर्मा के इतने सारे शतक देखे, लेकिन अब छक्कों का शतक भी रोहित शर्मा ने वानखेड़े स्टेडियम पर कंप्लीट कर लिया है। ये वही वानखेड़े है जिसके अंदर खेलना रोहित शर्मा बहुत पसंद करते हैं, ये वही वानखेड़े है जो मुंबई इंडियंस का होम ग्राउंड है, ये वही वानखेड़े है जिसकी रग रग में रोहित शर्मा बसते हैं और चप्पे चप्पे को पहचानते हैं। इसीलिए इस मैदान पर रोहित शर्मा जब फॉर्म में हो तो उनसे ज़्यादा ब्रूटल कोई गेंदबाजों की पिटाई नहीं करता, इसीलिए रोहित शर्मा अपने आप में एक बहुत खास प्लेयर है। थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलें तो रोहित शर्मा से इस साल मुंबई इंडियंस की कप्तानी छीन ली गई, हार्दिक पांड्या को गुजरात टाइटन से लाया गया, रोहित शर्मा की कप्तानी उनको दी गई। रोहित शर्मा ने 5 बार मुंबई को चैंपियन बनाया, लेकिन उसके बाद उनको मिली एक ऐसी बतौर खिलाड़ी खेलने की पोस्ट जो कि अभी वो खेल रहे हैं। हार्दिक पांड्या टीम के कप्तान हैं और कुल मिलाकर के हार्दिक पांड्या की कप्तानी में टीम कैसी जा रही है वो एक आध मैच से जज नहीं कर सके, पूरे सीज़न खेलने देते हैं पहले पता लगता है कि किस तरीके का कॉम्बिनेशन बना रहे हैं वो इनिशियल ओवर्स में या फिर डेथ ओवर्स में, कैसे फैसले ले रहे हैं, चाहे वो रिव्यूज़ के फैसले हो या फिर वो डाउन का हो, सारी की सारी चीज़ें कैसे डिसाइड कर रहे हैं तब पता लगेगा मुंबई से हार्दिक पांड्या की कितनी जोड़ी बन रही है, क्योंकि हार्दिक पांड्या कप्तानी अपने गुजरात टाइटंस में प्रूव पहले ही कर चुके हैं, 2 सीज़न लगातार फाइनल में गए हैं, 1 में जीते हैं, लेकिन मुंबई इंडियंस में आकर के कैसी कप्तानी करते हैं क्योंकि पहले इसी टीम में बतौर खिलाड़ी खेला करते थे। और बात अगर रोहित शर्मा की हो तो रोहित शर्मा अपने आप में एक तगड़े खिलाड़ी हैं। T20 वर्ल्ड कप 2024 जो कि वेस्ट इंडीज़ में होना है, अमेरिका में होना है, उसमें रोहित शर्मा बतौर कप्तान खेलेंगे, टीम की कमान संभालेंगे, लेकिन वहां पर विराट कोहली के नाम पर थोड़ा सा संदेह अभी बाकी है, लेकिन रोहित शर्मा वहां पर रहेंगे और देखना होगा कि क्या बतौर कप्तान T20 में ये आखिरी लीग होगी रोहित शर्मा की, ये भी बड़ा सवाल है क्योंकि अब आईपीएल में भी कप्तानी नहीं कर रहे हैं और पिछले कुछ समय से T20 कप्तानी भी हार्दिक पांड्या कर रहे थे टीम इंडिया की, तो रोहित शर्मा लगता है अब जाते जाते उनका आखिरी T20 वर्ल्ड कप होगा बतौर कप्तान भी और बतौर खिलाड़ी भी। लेकिन फिर से आपको एक बार याद दिला देते हैं कि रोहित शर्मा ने वानखेड़े में 100 छक्के मारे हैं और ये रिकॉर्ड अपने नाम किया है। अगर आप रोहित के फ़ैन हैं तो उनके लिए कुछ ना कुछ कमेंट में ज़रूर लिखिए, वीडियो को लाइक करिए और हाँ, क्रिकेट और आईपीएल की तमाम अपडेट्स के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए आर्या स्पोर्ट्स को। अगर आप फेसबुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो लाइक कीजिए और पेज को फॉलो जरूर कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।